हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर आपको पिगमेंटेशन और जहाँ कहीं भी हल्के फुल्के डार्क स्पॉट और डार्क सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, डिसकलरेशन की प्रॉब्लम नज़र आ रही है, इन्हें मैंने कैसे कवर किया है वो भी सिर्फ दो चीज़ों की हेल्प से। यही सब चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना हो सकते हैं आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दें। तो चलिए देख लेते हैं मैंने कैसे इसे कवर किया है सिर्फ दो मेकअप प्रोडक्ट्स की हेल्प से। तो ये देखिए मेरा फ्लॉलेस लुक, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर आपको इस वक्त कोई भी कमी नहीं नज़र आ रही होगी, कोई भी डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम, अनइवन स्किन टोन नहीं नज़र आ रही है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं मैंने ये जादू कैसे किया है। मैं, आप देख सकते हैं, ये दो प्रोडक्ट ले रही हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रो कंसीलर दिखा रही हूँ आपको। इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ और इसे यूज़ करने से पहले मैं लगाऊंगी मॉइसॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र। गाइज, अपनी स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो होता है खूब सारा पानी पीने से और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने से। तो आपको खूब सारा पानी भी पीना चाहिए जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहे और अच्छी दिखे, आपकी स्किन में ग्लो भी आता है अगर आप खूब सारा पानी पीते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर लिया है, अच्छे से इसे लगा लिया है अपने फेस पर, अपनी आईज़ पर भी लगा लीजिए। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी का ये प्रो कंसीलर। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस वक्त ये प्रोडक्ट है और जहाँ भी मुझे ये डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है आईज़ के आसपास, डार्क स्पॉट है नोज़ एरिया के आसपास, तो वहाँ पर मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम है गाइस दाग धब्बों की या पिगमेंटेशन की, तो आप वहाँ पर इसे अप्लाई कर लीजिए अच्छे से। और इसे मैं एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी अच्छे से। इसे ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खूब अच्छे से टाइम दीजिए गाइस इसे ब्लेंड करने में, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इस तरीके से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। और वैसे आपको इसमें और भी बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे गाइज इस कंसीलर में, आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और मुझे ऐसा लगता है गाइज इसे लगाने के बाद आपकी आईज़ भी काफ़ी ब्राइटन अप लगती है, ओपन अप लगती है। आप देख सकते हैं कैसे इसने एकदम से कवर कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर और इसे बस जस्ट लिटल बिट आपने सेट कर लेना है, बहुत ही हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा भरकर नहीं लगाना है। अपने कोई भी लूज़ पाउडर से भी आप इसे सेट कर सकते हैं जो भी आपके पास हो। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन। फाउंडेशन आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, वो भी आपने बहुत थोड़ा सा लेना है। बहुत ज़्यादा फाउंडेशन मैं अप्लाई नहीं करूँगी यहाँ पर, क्योंकि वैसे इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन की, मुझे काफ़ी पसंद आया है फाउंडेशन, ईजिली ब्लेंड हो जाता है। आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप यूज़ करते हैं अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली फाउंडेशन चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी कुछ इस तरीके से, और इसे भी मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से सेट कर लूँगी फाउंडेशन को, ताकि मेरा फाउंडेशन जो है वो पैची ना दिखे, केकी ना दिखे, क्योंकि इसे सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप भी इसे ज़रूर सेट कीजिए। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर आईब्रो पेंसिल। इससे मैं अपनी आईब्रोज़ को पहले कॉम कर लूँगी इसकी स्पूली की हेल्प से, और उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी इसी पेंसिल की हेल्प से। ये काफ़ी अच्छी पेंसिल है, काफ़ी नेचुरल दिखती है और डेली में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली भी मेकअप कर सकते हैं गाइज़। मैंने जस्ट यहाँ पर मुझे जैसा पसंद था मैंने बस वैसे ही किया है, और जो आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंगली भी आप मेकअप कर सकते हैं। और मैं ये जैकलिन हिल पैलेट से ले रही हूँ शिमर शेड, ये कॉपर शेड है, और इसे मैं इस तरीके से पूरी अपनी आईलिड पर लगा लूँगी और आउटर वी तक नहीं लेकर जाऊँगी मैं इसे। आउटर वी पर मैं लगा रही हूँ ये चॉकलेट कलर का शेड, ये डार्क शेड है, तो इस तरीके से मैं आउटर वी पर ही इसे प्लेस करूँगी और वहीं पर ब्लेंड करूँगी, आगे नहीं लेकर आऊँगी। और मैं इसे थोड़ा सा जस्ट ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेरे आई शेडो में कोई भी क्रीज लाइन ना बने। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मैक का मस्कारा। आप चाहें तो लाइनर भी लगा सकते हैं, विंग्ड आईलाइनर लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो मेकअप लुक उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर कर रही हूँ, और मस्कारा के ही मैंने 2 से 3 कोट लगाए हैं। मैं आज यहाँ पर फॉल्स लैशेस को नहीं लगाऊंगी। अब मैं अपने लिप्स को फिल कर रही हूँ इस लिप लाइनर की हेल्प से।
नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ किस ब्यूटी की लिपस्टिक, और ये पीची सा शेड है, पता नहीं ये कैमरा में कलर की चीज़ नज़र आते हैं लिपस्टिक का यार, समझ में नहीं आता। और ये पीची सा शेड लगा रही हूँ मैं, बहुत ही लाइट पिंक सा शेड है ये। और ब्लश और हाइलाइटर गाइस बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर काजल लगा रही हूँ अब मैक का, बहुत ही लाइट सा मैंने यहाँ पर ये ब्लश लगाया है, ये भी लाइट पिंक कलर का शेड है। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर हाइलाइटर, गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ये है मेरा लुक कितना फ्लॉलेस दिख रहा है, कोई भी डार्क स्पॉट या डार्क सर्कल्स ऐसे नज़र नहीं आ रहा है, दाग धब्बा कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। आप भी इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइए गाइज, बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसे कवर करने की, अपने चेहरे की कमियों को छुपाने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गाइज़ आपके कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।